बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू गैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सरफेस फिलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस के अंदर आकर हमें यहाँ से एक प्लेन सेलेक्ट करना है और इसको ज़ीरो पे प्लेस करना है, ज़ीरो एंटर की मदद से। फिर उसके ऊपर आप इसको डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करें और इसकी एक्स के अंदर डायरेक्शन जो लंबाई है वो 100 रखें और वाई के अलॉन्ग जो इसकी लेंथ है वो 100 रखें। ओके करें, आइसोमेट्रिक व्यू लें इसका। फिर उसके बाद आप यहां से एक कोन सेलेक्ट करें और इसको ज़ीरो पे प्लेस कर दें। इसका टॉप रेडियस आप 15 रखेंगे और इसका जो बेस रेडियस है उसको 30 रखेंगे। लेंथ इसकी आप 50 करेंगे। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आप माउस की मदद से ड्रैग करते हुए सारे के सारे सिलेंडर और कोन और प्लेन प्रिमिटिव को सिलेक्ट करेंगे। सरफेस के अंदर आप फिलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फिलेट रेडियस 5 रखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास कनकेव ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक लाइन क्रिएट हुई जहाँ पे हमारा फिलेट रेडियस लगना है। आप इसको अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में हमारा फिलेट लग गया और साथ ही साथ हमारे जो अंदर जो प्लेन था उसने ऑटोमेटिकली उस प्लेन के उतने हिस्से को ट्रिम कर दिया। तो इस तरह आप सरफेस के ऊपर फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैंसिल कीजिए। इसके बाद आप एक और प्लेन यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इस प्लेन की जो आपने जो प्लेसिंग डायमेंशन है वो आपने 0 स्पेस 0 स्पेस 40 रखनी है और इसको एंटर कर देना है। इसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करें। एक्स के अंदर ये 80 रहेगा और वाई के अंदर ये 80 रहेगा। इसके बाद आप इसको वाई के अलोंग ट्विस्ट करवाना चाहते हैं, रोटेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर्कस्पेस के अंदर आएं। ट्विस्ट में आप यहाँ पे वाई सेलेक्ट कीजिए और इसको आप तकरीबन 10 डिग्री तक ट्विस्ट करवा दें और ओके करें। फिर यहाँ पर भी ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से आप इसका फ्रंट व्यू लें। फ्रंट व्यू लेने के बाद आप ऊपर जो प्लेन है और हमारे पास कोन है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से फिलेट्स के अंदर आएं और इस बार आप इसमें फिलेट रेडियस जो है वो 3 का रखेंगे और अब यहाँ पर आप कनकेव की बजाय कन्वेक्स फिलेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई करें। तो अब देख सकते हैं कि एक तो ये फिलेट जो है वो हमारा कन्वेक्स है, यहाँ पर कनकेव था, और दूसरा इसने ऊपर जो सरफेस और हमारा सिलेंडर था वो ऑटोमेटिकली इसने ट्रिम कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से एक सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे और उसको एक्स के अलोंग यहाँ पर प्लेस कराएंगे। विद द हेल्प ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन है हमारी -30 स्पेस 0 स्पेस 20। इसको एंटर करें। एंटर करने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करें और इसका रेडियस आप 6 रखेंगे, लेंथ इसकी आप 60 कर दें। और अब हम इसको भी, इस सिलेंडर को भी ट्विस्ट करवाना चाहते हैं एक्स के अलोंग, तो आप वर्क स्पेस के अंदर आएँ, यहाँ पे एक्स सेलेक्ट करें और इसको आप -50 तक ट्विस्ट करवा के ओके कर दें। यहाँ से भी इसको ओके कर दें। यहाँ से अब आप इसकी डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद आप इसका फ्रंट व्यू लेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्शन लेंगे सिलेंडर की और साथ में कोन की। उसके बाद आप फिलेट के अंदर जाएंगे। फिलेट के अंदर आप रेडियस जो है वो 2 mm करेंगे और साथ में आप यहाँ पर ऑप्शन कनकेव जो है इसको चेक कर देंगे। प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलेट लाइन क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप इसको अप्लाई करें तो ये हमारा यहाँ पर एक फिलेट क्रिएट हो चुका है। इसको कैंसिल कीजिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा हमारे पास सरफेसेस यहाँ पर रह गई हैं। तो इस तरह आप सरफेस फिलेट्स की मदद से सरफेस को ट्रिम भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उस एरिया के ऊपर आप फिलेट भी लगा सकते हैं। अब आप प्राइमरी और सेकेंडरी सरफेसेस को भी इस्तेमाल करते हुए फिलेट लगा सकते हैं। इसके लिए आप इस सरफेस को डिलीट कीजिए और इसके साथ साथ
इस फिलेट को भी डिलीट करें। इसके बाद आप एक प्लेन लेंगे और उसको आप लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसकी पोजीशन जो है वो ज़ीरो स्पेस 20 है। आप यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन करें और इस प्लेन के ऊपर डबल क्लिक करें। एक्स के अंदर इसकी लंबाई हम 110 रखेंगे और वाई के अंदर इसकी लंबाई हम 60 रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। प्लेन शेड इसका ऑन करें। अब हम इसका फ्रंट व्यू लेंगे। फ्रंट व्यू लेने के बाद आप फिलेट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी सिलेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी सिलेक्शन है। प्राइमरी में हम जो हमारी कोन है उसका ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सेकेंडरी के ऊपर क्लिक करके हमारा जो प्लेन था उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है कन्वेक्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई करें और इसको कैंसिल कर दें। तो इस तरह हमारा प्लेन के लिहाज से हम किसी भी सरफेस को प्राइमरी और सेकेंडरी सरफेस के लिहाज से भी ट्रिमिंग और फिलेट दे सकते हैं। इसको आप टॉप से देखें और जो इसकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सरफेसेस बच गई हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस जो है वो एक्सटेंडेड है। इसको ख़त्म करने के लिए आप वायर फ्रेम में जाएं, यहाँ से आप एक लाइन सेलेक्ट करें। लाइन सेलेक्ट करने के बाद इसकी पॉइंट से लाइन स्टार्ट करें और इसकी पॉइंट तक लाइन को ख़त्म कर दें। उसके बाद आप एडिट के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्शन जो कि लिमिट सिलेक्शन है और यहाँ से आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद आप इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ से ये सरफेस भी ट्रिम हो चुकी है। तो इस तरह आप फिलेट को इस्तेमाल करते करके सरफेसेस को कैसे ट्रिम करवा सकते हैं और फिलेट कैसे लगा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।